Welcome to BPSC Platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. A very good morning to all of you. My name is Shalu Rai and I am on BPSC platform for you every month. I am taking 50 most current affairs important questions. ये हमारा फरवरी का पार्ट वन है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका पार्ट टू आएगा उसमें हम आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज विल कम। सवाल ये पूछ रहा है कि भारत के कौन से शहर में पहला शीशे का ब्रिज बन रहा है, सस्पेंशन ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सस्पेंशन ब्रिज जो ऊपर से लटक रहा होता है। तो ऋषिकेश में बन रहा है। ऋषिकेश कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आप लोगों को हर एटलीस्ट सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर तो बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, सब आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, और मैं इसलिए बार बार बताती भी रहती हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रीसेंट रिपोर्ट। सवाल ये पूछ रहा है कि ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया। झरिया कहाँ है? तो झरिया इज इन झारखंड। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है झरिया। और अगर मैं बात करूँ सबसे साफ कौन है, क्लीनेस्ट कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा लुंगलई। लुंगलई मिजोरम में है, जो कि सबसे साफ शहर है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मिजोरम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज नेम्ड विच वर्ड एज इट 2019 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। सवाल ये पूछ रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसने किस शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो हर साल डिक्शनरीज जो होती हैं, हर साल किसी एक शब्द को जो काफी यूज हुआ हो उसको वर्ड ऑफ द ईयर बताती हैं। तो इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर 2019 का था संविधान। तो आपको नाम ध्यान में रखना है, संविधान वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, विच सिटी प्लेज होस्ट टू द एनुअल इवेंट भारत पर्व 2020 विच सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। सवाल ये पूछ रहा है कि जो एनुअल इवेंट है भारत पर्व किस शहर में हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। और अगर मैं बात करूं कि इस बार थीम क्या था, थीम तो थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। और महात्मा जी की इस साल 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये उस उपलक्ष में भी मनाया गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सी भाषा है जिसको राज्यसभा में पहली बार इस्तेमाल किया है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए, संथली लैंग्वेज है भाषा जो है पहली बार राज्यसभा में बोला गया अभी रिसेंटली। और संथली लैंग्वेज जो है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो वो उड़ीसा में बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है और झारखंड में बोली जाती है। और ये पहली बार किसने बोला, तो ये सांसद हैं सरोजनी हेम्ब्रम जो कि उड़ीसा से हैं। तो एमपी हैं ये, तो इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया राज्यसभा में संथली भाषा का प्रयोग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सवाल ये पूछ रहा है कि विश्व कैंसर दिवस किस डेट पे मनाया जाता है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 फरवरी। और इसका थीम क्या था इस बार, तो इसका थीम था आई एम एंड आई विल। तो कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट है तो आप उसका डेट तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे और थीम भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, आई एम एंड आई विल वाज़ द थीम। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन एसोसिएशन डेटा, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो लार्जेस्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कौन से देश करते हैं, तो नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, फिर इंडिया, पहले सेकंड पे यूएसए था बट इंडिया ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया, और थर्ड पोजीशन में यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसए। तो आपको ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर द दिल्ली मेट्रो विच सिटीज मेट्रो हैज बिकम द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट। सवाल ये पूछ रहा है कि दिल्ली मेट्रो जो है, आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो का जो लेंथ है, जो एरिया है, वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली मेट्रो। सवाल ये पूछा कि दिल्ली मेट्रो के बाद कौन से शहर का मेट्रो है जो कि सबसे ज्यादा, सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट है लेंथ वाइज या एरिया वाइज। तो इसका सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैदराबाद मेट्रो, ऑप्शन बी। तो दिल्ली मेट्रो के बाद सबसे बड़ा है हैदराबाद मेट्रो। और अगर मैं कभी कभी ये भी सवाल पूछ जाता है, मेट्रोमैन कौन है, तो मेट्रोमैन है ई श्रीधरन, मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, सिविल इंजीनियर थे ये और रिटायर्ड IRF ऑफिसर भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है मेट्रोमैन कौन है, तो ई श्रीधरन। क्वेश्चन नंबर 9, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू बिकम टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पहली ट्रेन बन गई है भारत में जिसके जो टॉयलेट है वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह है, एरोप्लेन के जो वॉशरूम्स होते हैं उनकी तरह टॉयलेट है, बायो वैक्यूम टॉयलेट। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कालका दिल्ली शताब्दी में बायो वैक्यूम टॉयलेट इंस्टॉल हो गए। बायो वैक्यूम टॉयलेट क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट है उसको हम, इसको कलेक्ट किया जाता है एक जगह और उसको कंपोस्ट में फर्टिलाइज किया जाता है। पहले जैसे वॉशरूम्स होते हैं ओपन वॉशरूम, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से पानी की एक तो बचत होगी और थोड़ा क्लीनलीनेस ज्यादा रहेगी, स्मेल कम रहेगा ट्रेन्स में, और आगे फर्टिलाइज, आगे इसको कंपोस्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो बायो वैक्यूम टॉयलेट वही होते हैं। और पहली कौन सी ट्रेन है, तो कालका दिल्ली शताब्दी जिसमें इंस्टॉल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी, 26 जनवरी के एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट हुआ था और इलेक्शन कमीशन द्वारा ये शुरुआत हुई थी इसकी, इस दिन को मनाने की 2011 में, ताकि हम लोग वोटर्स को और इन्फ्लुएंस कर पाए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग वोट करें। तो वोटर्स डे है 25 जनवरी को, 2011 से इसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Who has been named as CEO of IBM? सवाल ये पूछ रहा है, जो IBM कंपनी है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके CEO कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद कृष्णा है इसके CEO। और मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, पहले की वीडियो, तो मैंने बताया है कि 2019 में मैक्सिमम पेटेंट्स किसी कंपनी ने किए हैं, 9200 प्लस पेटेंट्स किए हैं, तो वो कंपनी है IBM। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, और सीईओ है अरविंद कृष्णा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द गोवा 2020 नेशनल गेम्स। सवाल ये पूछ रहा है कि जो गोवा में नेशनल गेम्स होने वाले हैं 2020 में अक्टूबर के महीने में, उसका मैस्कॉट अनाउंस हो गया है, तो मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट है रूबी गुलू, रूबी गुलू बर्ड है, एक स्पैरो बर्ड जैसी होती है ये, तो रूबी गुलू है मैस्कॉट। और आपको इसी सवाल में एक और है कि कहाँ नेशनल गेम्स हो रहे हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो कहाँ हो रहे हैं? गोवा में हो रहे हैं। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूज़पेपर मूक नायक हैज कम्प्लीटेड इट्स 100 ईयर रिसेंटली, इट वॉज स्टार्टेड बाई हुम। सवाल ये पूछ रहा है कि मूक नायक जो अखबार है,
इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए इस साल। तो ये अखबार है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की थी लोक मूक नायक न्यूज़पेपर की, और उसके 100 साल पूरे हो गए। और मैं आपको बताऊँ, कोई भी ऐसा इवेंट जिसके 100, 50, 150 साल पूरे हो रहे हों, या किसी की बर्थ एनिवर्सरी हो, तो आपको उस इंसान का नाम या उस इवेंट का नाम या कोई भी प्लान हो, न्यूज़पेपर हो, एनीथिंग जो कि एक अच्छा ऐसा नंबर हो, जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, तो उस पर हो रहा हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में पूछे जाने की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बैड मैन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। सवाल ये पूछ रहा है कि बैड मैन जो किताब है ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका जब जवाब बहुत ही ईजी है, ऑप्शन सी गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर अभिनेता है, और इन ये बैड मैन के कैरेक्टर से काफी फेमस भी थे, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है बैड मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी फॉर द ईयर 2019 फॉर हुम। सवाल ये पूछ रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस साल इंटरनेशनल गांधी अवार्ड कुष्ठ रोग को हटाने के लिए, लेप्रेसी को हटाने के लिए 2019 में किसको दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि इस फील्ड में काफी काम किया है और काफी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने लेप्रेसी हटाने के लिए इसमें हटाया है उन्होंने, तो ये अवार्ड इंटरनेशनल गांधी अवार्ड लेप्रेसी इस साल मिला है डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को। क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सवाल ये पूछ रहा है कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, एपी महेश्वरी नए डायरेक्टर जनरल। और कोई भी नया अपॉइंटमेंट हो तो आपको वो ध्यान में रखना है, चाहे वो कोई कंट्री के पीएम है, या फिर कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी है, आईबीएम वगैरह, तो इन सब के भी जो भी नए अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और क्योंकि ये नाम है तो आपको ध्यान रखना भी आसान रहता है। तो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल हैं एपी महेश्वरी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन इन रणजी ट्रॉफी। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो पहले ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने 12,000 रन बनाए रणजी ट्रॉफी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसीम जाफर। वसीम जाफर 12,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन हैं, और वसीम जाफर मोस्ट कैप्ड हैं बैट्समैन भी हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने रणजी में सबसे ज्यादा कैप भी इन्होंने ही जीती है, और ये विदर्भ से खेलते थे, विदर्भ टीम से, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वसीम, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस की है। वसीम जाफर 12,000 रन रणजी ट्रॉफी फर्स्ट वन टू स्कोर। क्वेश्चन नंबर 18। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड बुलेट प्रूफ हेलमेट्स टू द सोल्जर्स। तो सवाल ये पूछ रहा है कि पहली कंट्री कौन सी है जिसने अपने जवानों को बुलेट प्रूफ हेलमेट प्रोवाइड किया है। तो ये बहुत प्राउडली हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया ने प्रोवाइड किया है अपने जवानों को बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। द पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर 2019-20 इज गिवन टू। सवाल ये पूछ रहा है कि गौरी लंकेश जो है काफी बड़ी पत्रकार थी जिनकी हत्या हो गई थी गोली मार के, तो उनके नाम पे अवार्ड शुरू हुआ है पत्रकारों के लिए, तो ये अवार्ड 2019-20 के लिए किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है यूसुफ जमील को, ऑप्शन डी। यूसुफ जमील कश्मीर के रहने वाले हैं, और उन्होंने काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखे, काफी इश्यूज पे इन्होंने काफी लोगों को जागरूक किया है, तो ये इस साल का अवार्ड मिला यूसुफ जमील को, पेन गौरी लंकेश अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेट वन द बेस्ट टैबलिक्स अवार्ड अंडर द स्टेट यूटी कैटेगरी। सवाल ये पूछ रहा है कि इस साल बेस्ट झांकी जो होती है 26 जनवरी पे जो निकलती है, तो इस साल बेस्ट झांकी जो है किस स्टेट की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम की बेस्ट झांकी थी। और अगर मैं थीम बात करूं कि उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर।
आसाम की बेस्ट जहाँ की थी, और उसका थीम था लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, टू बूस्ट विच टाइप ऑफ साड़ी प्रोडक्शन खादी एंड विलेज कमीशन हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग इन गुजरात। सवाल ये पूछ रहा है कि किस तरीके की साड़ी को बढ़ावा देने के लिए खादी और विलेज कमीशन जो है हमारा, उसने पहला सिल्क का प्रोसेसिंग यूनिट गुजरात में अपना शुरू किया। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, पटोला साड़ीज, सिल्क का एक ऑप्शन डी, सिल्क का ही एक फॉर्म है ये, और इसको बढ़ावा देने के लिए KVIC ने अपना पहला प्रोसेसिंग यूनिट गुजरात में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरालंपिक कमेटी जो है भारत की, उसका प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, तो ऑप्शन डी, दीपा मलिक, ये उनकी इमेज है। और दीपा मलिक के बारे में मैं बताऊं, ये पहली इंडियन थी जिन्होंने पैरालंपिक इवेंट में मेडल जीता गई, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन पैरालंपिक गेम्स। और ये शॉटपुट खेलती हैं, और वो उनकी हाफ बॉडी नीचे से, लोअर बॉडी पैरालाइज है, तो अब प्रेसिडेंट है इस कमेटी की दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट हैज फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फ्रूट ट्रेन। सवाल ये पूछ रहा है कि किस राज्य ने कंट्री का पहला फ्रूट ट्रेन शुरू किया है, फ्रूट ट्रेन शुरू किया है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, आंध्र ने शुरू किया है। और पहला जो उसमें फ्रूट सब जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, तो वो थे बनानास, और हैप्पी बनानास के नाम से भेजा गया। और इससे ये फायदा होगा कि हमारे फ्रूट्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, खराब होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, तो आंध्र ने ये शुरू किया। और अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आंध्रा के बारे में और हम बात कर लेते हैं कि इसने 3 कैपिटल प्रपोज किया है, और सीएम कौन है आंध्रा के, तो YS जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल नेम अनंत प्रज्ञा 2020 वॉज हेल्ड। सवाल ये पूछ रहा है कि किस स्टेट में इंडिया का सबसे बड़ा रूरल टेक्निकल फेस्टिवल अनंत प्रज्ञा जिसका नाम है वो हुआ, तो वो तेलंगाना में हुआ, अनंत प्रज्ञा 2020, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ ये हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, हु वॉन द मेन सिंगल एट 81st नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। सवाल ये पूछ रहा है कि नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है हमारी, उसमें मेंस कैटेगरी में किसने कौन फर्स्ट आया, तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी, बी हरमीत देसाई। और अगर मैं ये बात करूं कि वुमेन कैटेगरी में कौन था, तो वुमेन कैटेगरी में है सुतीर्था मुखर्जी, जो कि कोलकाता की हैं। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ, तो ये चैंपियनशिप हुई हैदराबाद में, मेंस कैटेगरी हरमीत देसाई, और वुमेन कैटेगरी सुतीर्था मुखर्जी। तो ये इस बार के 25 क्वेश्चन थे, और मैं वीडियो खत्म करने से पहले कुछ डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से कि बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी जो मुझे लगता है काफी इफेक्टिव है। पहला मेथड क्या, पहले ये पूरी वीडियो देखिए, 25 क्वेश्चन तक आप देखिए, फिर दोबारा आपने पढ़ ली, सुन ली मेरी बात, क्योंकि देखिए सुनने से चीजें बेटर तरीके से याद होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर आप वापस से वीडियो को शुरू से देखिए, और मेरे आंसर बताने के पहले आप कोशिश कीजिए आंसर देने की। अगर आप फिर प्रॉपरली दे पाते हैं 25 क्वेश्चन, तो ठीक है, वेल एंड गुड। मेथड 2, दूसरा मेथड है जो कि मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी, वो ये है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ उनको भी नोट कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन 25th को ही लूँ, तो इसमें हो सकता है मेंस कैटेगरी पूछ दे, वुमेन कैटेगरी पूछ दे, ये पूछ दे कि कौन कहाँ से है, या ये पूछ दे इवेंट कहाँ हुआ, या ये पूछ दे कौन सा एडिशन है, तो 81st एडिशन है,
नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, तो सवाल कुछ भी आ सकता है। तो अगर जब आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और वापस से जब रिवाइज करने का टाइम है, रिवाइज करेंगे तो आपको वापस से चीजें रिकॉल हो जाएंगी और बेटर तरीके से याद होंगी और आपके पास भी कलेक्शन बन जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, या तो आप लिख के पढ़िए, नहीं तो दो बार वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको प्रॉपर रिविजन हो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, प्लीज सेफ एंड हैव फन।